88,000 महात्माओं के बीच में महामती रोमहर्षण सूत जी पधारे, जिन्होंने पांचों यज्ञों को होते हुए अपनी आंखों से देखा। देवानाम योगिनाम चैव मेर्षीणाम महात्मनाम। नेमिस में वह महात्मा जो योगी है, इंद्रियों को जिन्होंने अपने बस में किया है। नेमिसारण्य शोभाम च पश्यम तत्र सुविस्तमम। नेमिस का विस्तार देख करके महात्मा खुश हो गए हैं, प्रसन्न हो गए। आज भी आप नेमिसारण्य में जाओगे, बहुत अच्छा लगता है। सर्दी वर्षा के समय पर तो वहां कांस भी फूल जाते हैं, पेड़ भी फूल जाते हैं, आने का मन नहीं करता, इतना सुहावना। वहां की विशेषता है कि वहां वृक्ष का कभी पतझड़ नहीं होता। पता नहीं वो पेड़ कौन सी किस्म के हैं, वहां के झुके हुए हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले लोगों का ये सम्मान कर रहे हो। सुरैया की तरह खड़े नहीं, सब पेड़ वहां के ऐसे झुके हुए बिल्कुल छतरी सी बनी हुई, और वो देखें हर पेड़ की छतरी बनी। आपने मंदिरों में दिए जलते हुए देखे होंगे, लेकिन दुनिया का एक ऐसा तीर्थ नेमिसारण्य है जहां वृक्षों के ऊपर दिए जलते हैं, क्योंकि स्वयं नारायण ही वहां वृक्ष रूप में प्रकट हुआ है। दुनिया की इकलौती जगह है जहां हर पुराण को गाया गया है, सत्यनारायण भगवान की कथा पैदा हुई है वहीं से। नेमिसारण्य में पहली बार गाई गई है, स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा है, स्कंद पुराण में नर्मदा पुराण है। अब आप ये कहेंगे कि आप तो जिस कथा को कहते हैं उसी की बड़ाई करते हैं, ये सब पुराण बड़ाई के लायक हैं, लेकिन स्कंद पुराण महाबड़ाई के लायक। जीवन का ऐसा कोई समाधान नहीं है जो स्कंद पुराण से छूटा हो, इसलिए तो इसमें 81,100 श्लोक है। जो आप अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा जो सुनते हैं स्कंद पुराण में, जो अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पाए, नहीं सुन पाए, स्कंद पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, सब पूर्ति हो जाती है, ऐसा ग्रंथ है। और हम बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, भारी भाग्यशाली हैं, इस पवित्र व्यासपीठ से इस ग्रंथ की भी कथा करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भगवान की कृपा के बिना कहां संभव है। नेमिस की धारा से जो स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा प्रकट हुई है, ऐसा दुनिया का इकलौता क्षेत्र है वह नेमिस भूमि। धरती पर बहुत अरण्य, दंडकारण्य, चंपकारण्य, भद्रकारण्य, कामकारण्य, भद्रकारण्य, और उसी में से एक है नेमिसारण्य, जहां पर चक्र शांत हुआ, 88,000 महात्मा वहीं बैठ गए, इसलिए इसको चक्र तीर्थ कहते हैं।